ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी कृपा करके मेरे शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करने की कृपा कर दीजिए। मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे प्लीज क्षमा कर देना। गुरुजी अपने श्री चरणों में अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करने की कृपा कीजिए। बड़ी आस लेके, विश्वास लेके आपकी बेटी आपकी शरण में आई है। गुरुजी स्वीकार कीजिए। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अचानक से मतलब गुरुजी का उस दिन मुझे सुबह ही मैसेज आ रहे थे कि आज मैं तेरे घर आवाऊंगा। मतलब अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे, मेरा दिल बहुत खुश था। बहुत अच्छी हवा चल रही थी हमारे यहाँ पे, और मैं गुड़िया को लेने के लिए नीचे गई थी। तो उस दिन मुझे गुरुजी को मैं हमेशा अपने जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो बोलती हूँ कि गुरुजी आइए, संग संग चलते हैं, संग संग आते हैं, आप मेरे संग संग चलिएगा और संग संग वापिस आइएगा। मैं और मेरे बेटा मतलब हम गुड़िया को लेने के लिए नीचे जाते हैं, और जब मैं नीचे जाती हूँ तो मेरे सामने सबसे पहले तो बटरफ्लाई आती है, बहुत सुंदर सुंदर। मैं जय गुरुजी बोलती हूँ कि गुरुजी साथ हैं। उसके बाद एक वैन मेरे आगे से निकलती है जिसके ऊपर लिखा होता है जय गुरुजी। जय गुरुजी देखते ही मेरा मन और प्रफुल्लित होता है कि देखो गुरुजी तो मेरे साथ ही है। मैं गुरुजी का दिल से नमन करती हूँ। उसके बाद मेरा बेटा भी आ जाता है और हम उसी तरफ जहाँ गुरुजी की वैन खड़ी होती है उसी तरह से होते हुए मैं वैन को स्पर्श करते हुए आगे निकल जाती हूँ प्रणाम करते हुए। और जैसे घर की तरफ आते होते हैं तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा वो देखो बटरफ्लाई, गुरुजी ऑरेंज बटरफ्लाई देखो मम्मा देखो। बहुत सुंदर गुरुजी की ऑरेंज स्वरूप वाली बटरफ्लाई दिखाई देती है। गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी को कहते हैं चलो गुरुजी घर चलते हैं वापिस, और कहते हैं अपने लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद मैं वॉशरूम करने जाती हूँ और बेटा एकदम से कहता है मम्मा मम्मा देखो देखो क्या हो गया क्या हो गया। मैं देखती हूँ कि क्या हुआ बेटा क्या हो गया, कि मम्मा देखो सब गमले टूट गए, देखो कितना बड़ा, देखो मम्मा क्या हो गया। संगत जी क्या हुआ ना, मैंने बालकनी में अपना बेलपत्र और शमी का पौधा एक साथ लगाया हुआ है। वो थोड़ा क्योंकि बड़ा है मेरा बेलपत्र का पौधा तो वो थोड़ा ऊंचा है, तो मैंने ऊंचाई पे रखा हुआ था उसे। तो इससे पहले भी संगत जी हर बार आंधी आई तूफान आई पर कभी वो ना गिरा नहीं, कभी नहीं गिरा। बट अब की बार मैंने उसको ऐसे रखा हुआ था कि अगर बहुत तेज आंधी आई तो वो पीछे की तरफ भी गिर सकता था और आगे की तरफ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि गिरेगा। अगर ऐसा होता कि मतलब, और ये था कि अगर वो जिस तरीके से रखा हुआ था मुझे डर हमेशा लगा रहता था कहीं नीचे ना गिर जाए। तो मैं सोचती थी कि भी चलो मैं ना एक मतलब सेटिंग करूंगी सेट और फिर इनको ना नीचे की तरफ सेट करूंगी। मन में कई बार आया था लेकिन फिर मैं भूल जाती थी। लेकिन उस दिन देखो संगत जी, गुरुजी ने जैसे बोला था तेरे ऊपर से मैं संकट टालूंगा, तो मैं ही सोचती थी गुरुजी संकट तो हमारी लाइफ में इतने आते रहते हैं, गुरुजी जरूर कोई बड़ा संकट टालने वाले हैं। लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि गुरुजी मेरा कितना बड़ा संकट टालने वाले हैं। देखिए संगत जी, मैं फोर्थ फ्लोर पे रहती हूँ और वो गमले का वेट अप्रोक्सीमेटली कम से कम 10 kg होगा। अगर वो गमला नीचे गिर जाता तो वहाँ से लोग आते हैं जाते हैं, एनिमल्स भी आते हैं जाते हैं, खुद मेरे बच्चे हम भी उसी रोड से उसी तरफ से आते और जाते हैं। गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा कष्ट काटा संगत जी, कि उन्होंने उस गमले को बाहर की तरफ ना गिरा के घर के अंदर की तरफ ही गिरा दिया। वहाँ पे टब भी रखा था, उन सबको उनको गिरा के गुरुजी ने मुझे ये बताया कि अगर ये किसी के ऊपर गिर जाता, ये किसी को चोट लग जाती तो किसी का बचना मुश्किल ही नहीं था, मुश्किल ही था, कोई बच ही नहीं सकता था अगर वो किसी पे गिर जाता तो। तो सोचो संगत जी कि कितना बड़ा कष्ट है कि अगर हमारे ऊपर किसी भगवान
सच में गुरु जी आप बहुत 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 शुक्राना है आपका, जो आपने अपनी बेटी के माथे पे इतना बड़ा कलंक लगाने से बचा लिया। मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती, जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। गुरु जी आपने अपनी बेटी के सर से संकट नहीं डाला, एक बहुत बड़े कलंक से भी मुझे बचा लिया, एक ऐसी गिल्टी से बचा लिया जो ना मुझे जीने देती और ना मुझे मरने देती। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, आपका अनंतम शुक्राना है। आपने उन गमलों को घर में गिरा दिया, वो ज्यादा ठीक था, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी इस बच्ची को बहुत बड़े कष्ट से बचाया, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसी रात मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। उस दिन क्योंकि सुबह मुझे कई बार इसे ही मैसेज आया था कि आज मैं तेरे घर आऊंगा, और मैंने बोला गुरुजी मैं सुबह से आपकी रात तक रही हूँ और आप आए ही नहीं हो। और जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद मैं इतना रोई, मैं कहा गुरु जी क्या हो गया, आप तो कह रहे घर आ रहे हो और ये क्या हो गया क्या हो गया। और तुरंत ही गुरु जी ने मुझे ये मैसेज डाल दिया कि बेटा देख अगर ये नीचे गिर जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। और मैं गुरु जी का शुक्राना करने लगी, गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, आपने कितनी जिंदगियां बचाई हैं, कितनी जिंदगियों को आपने आज बचा लिया। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और यही कहती रही मैं गुरु जी से, और मेरा उस दिन इतना रोना आ रहा था, मुझे पता ही नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, बस मैं रोए रोए जा रही थी, रोए रोए जा रही थी। और उसके बाद शाम को मैं जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैं क्या देखती हूँ कि कुछ चीज उड़ रही है मेरे बाथरूम में। तो मैंने सोचा कि जो ये पिटकले से होते हैं, जो बारिश के मौसम में मच्छर आते हैं, शायद वो मच्छर है। लेकिन जब मैंने उसे बहुत गौर से देखा, संगत जी आप मानोगे नहीं, बहुत प्यारी सुंदर सी वाइट कलर की बटरफ्लाई, बहुत सुंदर बटरफ्लाई। और जैसे ही मैं उनको देखा, उनको प्रणाम किया और मैंने कहा गुरु जी मैं सुबह से सोच रही थी आप आए नहीं, फिर ये हादसा हो गया तो मैं ऐसे मन मेरा खराब हो गया था, लेकिन आप तो बड़े प्यारे रूप में आए हो, कितने सुंदर लग रहे हो आप गुरु जी, कितने क्यूट लग रहे हो। और मैं नहाती भी, मैं मतलब नहाती रही, उनसे बात की मैंने गुरु जी से कि गुरु जी सच में मैं क्या ही बोलूँ आपको, आप आयो। और जैसे मैंने ना मेरे बेटे को बोला देखो देखो बेटा गुरुजी आए हैं, और जैसे कोई और आया ना देखने के लिए तो बटरफ्लाई उड़ने लगी इधर उधर, लेकिन जब कोई नहीं हुआ तो वो वहीं एक जगह पे स्थिर हो गई। और मैंने फिर उनको प्रणाम किया, गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी अपनी बेटी के घर आने के लिए आपका शुक्राना, आपने मुझे बहुत दिन पहले कहा था कि मैं तित्र रूप में तेरे घर आऊंगा। और सच में संगत जी गुरु जी के आए हुए मैसेज ना, जरूरी नहीं है कि जिस दिन आए हैं वो उसी दिन ही वो पूरे हों, वो उस दिन होंगे, अगले दिन होंगे या कुछ दिनों बाद होंगे, वो जरूर पूरे होंगे, कि गुरु जी की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती। गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो जो कहते हैं वो होगा ही होगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है संगत जी, भले ही देर से हो लेकिन वो होगा। गुरु जी ने अगर आपको मैसेज भेजा है ना, डेट मीन्स आपकी लाइफ में वो चीज होने वाली है, इस बात का तो मुझे पूरा पूरा श्योर है गुरुजी। क्योंकि मैंने ना इससे पहले भी संगत जी ये चीज मेरे मन में आई थी कि नहीं, कई बार मेरे मन में भी ये चीज आ गई थी, तो ऐसे मैसेज आते रहते हैं। और ना आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पास मैसेज आने बंद हो गए, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई मैसेज नहीं आते थे, बस जय गुरु जी लिखा हुआ आता था, गुरु जी का स्वरूप दिखता था, उसके नीचे कोई ब्लेसिंग नहीं होती थी, कोई मैसेज नहीं होता था। तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने कहा गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में मतलब भटक गई थी, मैं सोचती थी कि आप ऐसे ही मैसेज भेजते, लेकिन नहीं गुरु जी सच में ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए, बहुत दिन हो गए गुरु जी, अब तो ब्लेसिंग भेज दीजिए, अपना मैसेज दीजिए, ऐसे अपनी बेटी से नाराज मत होइए गुरु जी, आपको तो पता है ना मैं बिल्कुल पागल हूँ झल्ली हूँ, अपनी बेटी से ऐसे नाराज हो गए तो कैसे चलेगा गुरु जी, मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। संगत जी आप मानोगे नहीं, उसी पल गुरु जी का मैसेज आ गया
और मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। उसके बाद मैंने कभी ये चीज को उस इफ़ भटके प्याजू में नहीं तोला। और मैंने सबको यही कहा कि अगर गुरुजी का मैसेज आया है ना, डेथ मीन्स वो आपकी लाइफ में होगा, ज़रूर होगा, भले ही देर से हो लेकिन होगा। जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया तो मुझे पूरा बिलीव है गुरुजी के ऊपर कि वो, मैं तब तो सोच रही थी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन तो दे रहे हैं लेकिन घर तो नहीं आए, लेकिन जब वो घर आए ना तो बस हम देखते ही रह गए। मैं आपको और बताती हूँ गुरुजी ने और कैसे ब्लेस किया आज। वैसे तो देखो संगत जी, सच बोलूँ मेरी हर एक सांस, मेरी सुबह से लेके हर रात, रात पूरे दिन में मैं जितनी बार सांस लेती हूँ ना, या मैं जितने भी अच्छे पल व्यतीत करती हूँ, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। और जो कुछ गलत भी होता है ना, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरुजी हमारे ना कष्ट काटते हैं। पहले मैं सोचती थी हमारे साथ ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, फलाना और मतलब एक्स वाई जेड सब कुछ। लेकिन अब मैं कहती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मेरे अंकल सुबह हंसते हुए घर से गए थे, कल हम बड़े शांत थे, सुबह मन अच्छा था, प्रफुल्लित था, हंसते हंसते उठे हम। और हम जैसे वो बालकनी साफ करने लगे, जैसे मैंने बताया कि गमले टूट गए थे, और इतने में जैसे हम सेटिंग कर रहे थे, इतने में ही बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई आई और हम दोनों के चक्कर काट के हमें ब्लेस किया। हम दोनों खड़े हो गए, प्रणाम किया, मैं कहा गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, ब्लैक एंड व्हाइट चोले में। और मैं और मेरे अंकल जी दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने पूरे चक्कर हम दोनों के सर से काट के, और फिर पता नहीं कहाँ वो बटरफ्लाई गायब हो गई। और मैं इतने खुश हुई, मैं कहा लो अब तो गुरुजी आ गए हैं, अब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद ना मेरे अंकल के पास उनके दोस्त का फ़ोन आया जिनके साथ वो काम करते हैं, उनकी डीलिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई। अंकल एकदम से मूड ख़राब हो गया, अंकल बोले मुझे अभी के अभी निकलना होगा काम के लिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अंकल का मन बड़ा ख़राब हो गया, वो तुरंत अपने काम की तरफ भागे। वो गए, मैंने उनको बोला टेंशन मत रखो, गुरुजी के रहते हुए कुछ गलत नहीं होगा, अगर कुछ नहीं भी होता है तब भी उसमें चिंता मत करो, क्योंकि जो गुरुजी करेंगे ना वो अच्छा ही करेंगे। आज गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, इसका मतलब वो कुछ तो हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, आप टेंशन मत रखो। अंकल गए, मैं बोले हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे गुरुजी पे पूरा बिलीव है, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरे अंकल भी एकदम से मतलब गुरुजी का नाम स्मरण करते हुए अपने काम के लिए चले गए। और सारा दिन में हम लोग अच्छा हंसता खेलता हमारा दिन व्यतीत हुआ, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हर पल में। शाम को जब मेरे अंकल आए ना तो मेरे अंकल बड़े अपसेट थे, मैंने बोला क्या हुआ, तो फिर वो कहते कि अरे यार एक साथ मतलब इस एक महीने के बाद कुछ काम मिला था और एक के बाद वो सारे काम खराब हो गए। मतलब उनकी चार डील्स हुई थी, हम तकरीबन एक महीने से फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे थे संगत जी, और इस एक महीने के बाद जाके मेरे अंकल को कुछ काम मिला था जिससे उम्मीद थी, क्योंकि अभी दिवाली भी है, नवरात्रि भी है। और संगत जी मैं क्या बताऊँ, अभी हमारी हालत ऐसी ख़राब है कि बच्चों की फीस भी पे करनी है, रेंट भी देना है, घर का काम भी करवाना है, और मेरा गोल्ड है उसको भी छुड़वाना है, और मेरा ट्रीटमेंट भी करवाना है जो भी बहुत एक्सपेंसिव है अभी। तो अभी उन सबका था, हमने सोचा हुआ था कि चलो जब पैसे आएंगे तब देखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने वैसा बच्चा बना दिया ना कि किसी आगे हाथ नहीं फैलाना है, है तो अच्छा, नहीं है तो और भी अच्छा, कोई बात नहीं। गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है कि किसी से नहीं मांगना है, किसी से कुछ नहीं बोलना है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। मैं बैठा हूँ, मैं सब अपने आप करूँगा, तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। तो इसीलिए संगत जी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हम मन से मतलब हमारे डगमगाता नहीं है, मन खराब होता है, रोते भी हैं, कई बार भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन ये जी सोचते हैं कि गुरुजी है ना, गुरुजी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। पर कल जब संगत जी मेरे अंकल आए, उनको उदास देख के, उनका ऐसा रोता हुआ चेहरा देख के मेरा भी मन खराब हुआ कि गुरुजी ये क्यों हुआ, इतनी मेहनत की थी,
और एकदम से ये सब कुछ क्यों हुआ, एक काम खराब होता है समझ में आता है गुरु जी, एक साथ चार चार काम खराब हो गए गुरु जी, ये तो गलत हुआ ना, ये तो सही नहीं हुआ। और मैं गुरु जी से यही सवाल जवाब कर रही थी, संगत जी गुरु जी तब भी मुझे यही कह रहे थे और अभी भी मुझे यही कह रहे थे कि चिंता ना कर बोलिए, तो चिंता ना कर, मैं जो करूँगा अच्छे के लिए ही करूँगा। मैंने मेरे अंकल को यही बात समझाई, उनको बोला फिर आप चिंता मत करो, गुरु जी हैं, गुरु जी जो करेंगे ना अच्छे के लिए ही करेंगे, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, गुरु जी सब देख रहे हैं, गुरु जी सब जानते हैं, इसीलिए अपना विश्वास जो गुरु जी पे है उसे हमें और दृढ़ करना है, उसे इन संकटों से नहीं खोना है। कहते हैं ना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, उसका ज़्यादा शुक्राना, क्या पता क्या बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने पहले देख रखा है। और मैंने यही बातें सब गुरुजी अपने अंकल को समझाई और खुद को भी समझाई, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं टूट सी गई थी, मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी अब बहुत हो गया, अब प्लीज़ अब आप संभालो, और मैं यही बात बोलते गुरुजी को सब उनको सौंप के बैठ गई कि गुरुजी अब आप ही संभालो, आप ही देखो, मुझे कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, कोई लेकिन नहीं, कोई परंतु नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आपके हैं, बस हमारा जीवन आपके हाथ में, आपने देखना है, आपने संभालना है, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तो सब कुछ संगत जी, मैंने तो सारी अपनी सारी चिंताएं गुरु जी को सौंप दी हैं। मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ खराब भी हो सकती हैं, कई बार हमारे बनते काम बिगड़ भी सकते हैं, कुछ हमारे हो सकता है, तो उन परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं है, हमें अपना विश्वास नहीं खोना है, बल्कि वो हमारी परीक्षा है, वो परीक्षा गुरु जी ले रहे हैं हमारी ये देखने के लिए कि हम उन पर कितना विश्वास रखते हैं। जब वो देते हैं तब तो हम बहुत बढ़ियाई करते हैं, और जब वो ना दें तब भी क्या बढ़ियाई कर सकते हैं कि नहीं, पर हमें तो हर पल में बढ़ियाई करनी है गुरु जी की, क्योंकि हम ये जो सांसें ले रहे हैं ना आज की डेट में, वो सब गुरु जी की कृपा से है, वरना हमारे नसीब में तो वो सांसें भी नहीं थी गुरु जी ने जो हमें बख्शी है। सच बोलूं संगत जी, आज हम जो ऐसी परिस्थितियों में घिर के भी जो आनंद से मुस्कुराते हैं ना, वो मुस्कुराहट गुरु जी हैं, वो खुशबू गुरु जी हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि परिस्थितियाँ अच्छी हों या बुरी हों, ये कैसे भी हालात हों, हमें उनसे घबराना नहीं है, हर पल गुरु जी का मंत्र जाप करना है, उनका शुक्राना करना है। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं होता है और आपको बहुत कुछ देना होता है आगे, तो आप क्या जवाब दो उस समय में, आप जवाब नहीं दे पाते हो, टूट जाते हो, टूट के बिखरने लग जाते हो, लेकिन उस समय में बिखरना ही नहीं है, हमें एक विश्वास रखना है कि हमारे परम पिता परमात्मा हैं, हमारे गुरु जी हैं जो हमारे साथ हैं, और जब वो साथ में हैं तो हमें क्यों डरना। तो संगत जी सब छोड़ दो गुरु जी पे, मैंने भी सब गुरु जी पे छोड़ दिया है, अब जो देखना है जो करना है गुरु जी करे, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरा अब 30 तारीख को बर्थडे है, मैंने तो गुरु जी को बोल दिया, देखो गुरु जी मेरा बर्थडे है, मेरे पापा भी आप हो, मेरी मम्मी भी आप हो, मेरे भाई बहन मेरे सारे सनाते आप हो, तो मेरा बर्थडे अब आपने बनाना है, अब कैसे बनाओगे वो आपको पता, मैं नहीं जानती। हालात कैसे भी हों संगत जी, मैं तो अपने गुरु पे विश्वास रखती हूँ कि मेरे गुरु मेरे साथ हैं, बस मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो गुरु जी साथ में तो सब कुछ है, सब संभव है, सब त्यौहार ही त्यौहार है, सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बस मैं इतना जानती हूँ संगत जी। इसी के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी, और आप सबसे भी कहूँगी कि गुरु जी पे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए,
ये परीक्षा की घड़ी है, ये भी पार हो जाएगी। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, अब सब उन्होंने संभालना है। मैं तो सारी अर्जी उनके श्री चरणों में है, अब उनकी मर्जी है, अब उनको जो ठीक लगेगा अपनी बच्ची के लिए वो करेंगे। मैंने तो सब उनपे छोड़ दिया, अब मेरे गुरुजी जाने और वही देखें। मेरा तो बस मेरे गुरु पापा पूरा विश्वास है, और मेरे विश्वास के लाज रखना मेरे प्यारे गुरु पापा के हाथ में है। बस मैं तो इतना जानती हूँ, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो गुरुवर की मर्जी है। आप सबसे भी विनती करूंगी संगत जी, हमारे लिए अरदास कीजिएगा। ये कठिन समय जरूर है हमारा, लेकिन हम सिर्फ पार जरूर होंगे। पूरा विश्वास है मुझे खुद पे भी, और उससे ज्यादा अपने गुरु पे भी, अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति और प्यार पे भी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और एक नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आप दोगे उसका तो और ज्यादा शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू। जय गुरु जी।